में महाशिवरात्रि के 9 दिन पूर्व शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, जिसकी धूम मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रही है। साथ ही शिवरात्रि पर्व की शुरुआत भी हो चुकी है। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आकर भगवान महाकाल के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के 9 दिन पूर्व शिव नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव गुरुवार 13 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन नैवेद्य कक्ष में श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की पूजा, कोटितीर्थ पर स्थित श्री कोटेश्वर महादेव की पूजा करने के साथ उत्सव प्रारंभ हो चुका है। प्रातः 9:30 बजे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में तथा अन्य 11 ब्राह्मणों के द्वारा देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के साथ रुद्राभिषेक प्रारंभ किया गया। इसके बाद अपराह्न में 3 बजे पूजन के पश्चात भगवान श्री महाकाल को नवीन वस्त्र धारण कर श्रृंगारित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं शिव नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन शेषनाग श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति के सदस्य एवं मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिव नवरात्रि उत्सव के दूसरे दिन 14 फरवरी को भगवान श्री महाकाल का शेषनाग से श्रृंगार कर उन्हें कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र आदि से श्रृंगारित किया गया। उत्सव के तीसरे दिन शनिवार 15 फरवरी को भगवान महाकाल को घटाटोप श्रृंगार किया जाएगा। बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भगवान महादेव ने आज वासुकी नाग धारण किया है। संसार को एक शिक्षा दी है कि ज़्यादा आसक्ति ही बंधन का कारण होता है। सर्प रूपी आभूषण धारण करके भगवान शिव ने आज द्वितीय दिन भगवान महाकाल की विशेष पूजन अर्चन की गई है। पूजन अर्चन के साथ में यह महापर्व का द्वितीय दिवस है। और आगे क्या भगवान कल घटाटोप के अंदर रहेंगे, अर्थात जिनकी जटा पूरी खुली हो उसको घटाटोप कहा जाता है। भगवान शिव की कल जटाएं खुली रहेगी, उसके दर्शन भक्त लोगों को होंगे। कल से चालू हो जाएंगे, कल से भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में आके स्वरूप बनना चालू हो जाएंगे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।